आप देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां क्राइम ब्रांच व थाना सिरसिया पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा गोवध का वांछित फरार अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने मुठभेड़ में एक अदद अवैध तमंचा व गोवध कारित करने में प्रयुक्त उपकरण भी बरामद किया है। दरअसल आपको बता दें कि सिरसिया थाना क्षेत्र में 14-15 की रात्रि को औरा इमली जंगल में गोवध की घटना कारित हुई थी, जिसके संबंध में थाना सिरसिया पर गोवध निवारण अधिनियम का मामला दर्ज हुआ था। घटना से संबंधित नामजद अभियुक्त बाबू खां पुत्र समी मोहम्मद निवासी हेमपुर थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती व अभियुक्त अनिल पुत्र मुलहे निवासी शाहपुर पूरे सिवदीन थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती को शाहपुर पूरे सिवदीन के पास औरा इमली जंगल से गिरफ्तार किया गया था, तथा दो अभियुक्त मौके से फरार हो गए थे, जिसके संबंध में एसपी प्राची सिंह के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी नगर भिनगा अतुल कुमार चौबे के नेतृत्व में दो टीमें बनाई गई थी। क्राइम ब्रांच व सिरसिया पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के 48 घंटे के अंदर एक वांछित फरार अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि बिसंभरपुर बिल्ली जंगल में उक्त घटना से संबंधित अभियुक्त पुनः गोवध करने वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताए हुए स्थान पर पहुंचकर गाड़ाबंदी की गई, तथा थोड़ी देर बाद दो व्यक्ति गाय को लेकर आते दिखाई दिए। नजदीक आने पर उन्हें रोका टोका गया तो एक व्यक्ति ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया। आत्मसुरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में फायरिंग किया गया। मुठभेड़ के दौरान सलीम उर्फ मुटरू के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए सिरसिया सीएससी ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल भिंगा के लिए रेफर किया गया है। वहीं दूसरा अभियुक्त भूरे उपरोक्त मौके से भागने में सफल रहा। गाय फायरिंग की आवाज से जंगल की तरफ भाग गई। मुठभेड़ में गिरफ्तार सलीम उर्फ मटरू के कब्जे से एक तमंचा, देसी 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, एक बांका, एक छुरा, दो नायलान की रस्सी, तीन बोरी बरामद हुआ है।